पूर्णिया के चर्चित कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री पॉइंट में सम्मान सविदाई समारोह का आयोजन कर कोर्स कंप्लीट करने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सम्मान विदाई दी गई। सम्मान समारोह में टेस्ट परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस दरमियान सम्मान सम्मेलन में प्रोफेसर पटवारी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिनका संस्थान की ओर से बुके और शॉल देकर सम्मान किया गया और फिर बच्चों को उनके हाथों पुरस्कृत भी किया गया। इस दरमियान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया ताली बजाते हैं। कृपया ताली बजाते हैं। तालियां बजनी रहनी चाहिए, बजती रहे। तो आपसे अनुरोध है कि क्या ताली बजाते रहें। ये हर साल की बात ही, इस साल भी केमिस्ट्री पॉइंट द्वारा जो है हर साल आयोजन किया जाता है और इस साल भी 12th के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो हमारे द्वारा बोर्ड टेस्ट परीक्षा ली जाती है उसके द्वारा उसको प्राइस देने के लिए हम लोग ये जो है ये आयोजन का कार्यक्रम का आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं और इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उसको प्राइज मेडल सम्मानित किया जाता है उसके हौसले को बढ़ाने के लिए। आगे किस तरह की तैयारी होगी? हमारे हम अपने स्टूडेंट को तैयारी के लिए हम हर संभव उसके मदद में तैयार हैं। ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जो हम उनको दे रहे हैं और हम उनको अच्छे से तैयारी करवा दिए। लॉकडाउन के बावजूद भी उनको हम अच्छे से तैयारी करवा दिए। हम लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे। ऑनलाइन हम जो जूम ऐप हो, यूट्यूब ऑनलाइन हो, हम बच्चे को बराबर भरपूर मदद दिए हैं। ऑनलाइन क्लास होते रहा मेरा, लॉकडाउन के बाद जो है ना कोचिंग संस्थान खुली है उसमें फिर बच्चे को बुलाया, टेस्ट लिया और टेस्ट में जो है करीब 400 से 500 बच्चों ने भाग लिया। उसका एडमिट कार्ड वितरण करके हमने जो टेस्ट लिया और आज उसका जो है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है जो पूर्णतः बिहार बोर्ड के पैटर्न पे ही टेस्ट लिया गया था उसी पैटर्न पे हमने जो टेस्ट दिया है, टेस्ट लिया है और जो है उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने बच्चे हैं सम्मानित? आज सम्मानित बच्चे के कम से कम आपको 20 बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में लाए हैं। उसके बाद जो है सारे बच्चे को मेडल से सम्मानित करेंगे, उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। हम हमेशा उनके साथ हैं, साथ थे, हैं, रहेंगे।